कोई बात चल रही है, लॉक लगा हुआ है। इसी कवायद को आगे बढ़ाते हुए हमने आज इस वाला फंक्शन रखा है जिसमें डिफरेंट समाज के लोगों को बुलाया गया है ताकि वो आए, आप अपने खाना भी हो, चर्चा भी हो और जो हमारे पहुँच को बचाए बहुत बरकरार है। सर क्या लगता है इस तरीके के प्रोग्राम से किस तरीके का मैसेज आता है? देखिए इससे सबसे बड़ा मैसेज है बदलू, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं डिफरेंट कम्युनिटीज के प्रोमिनेंट लोग यहाँ पर आए हुए हैं, साथ बैठे हुए हैं, साथ बैठे खा रहे हैं, साथ बैठे बात कर रहे हैं, इससे सबसे बड़ा मैसेज है बदलू का और जो डायलॉग है सोसाइटी में वो चलता रहता है। थैंक यू सर। सबसे पहला SSP साहब, एडिशनल SP साहब, DSP साहब जितने भी ने और नाल SHO साहब समुची टीम को मैं कहूँगा कि बहुत बहुत मुबारक है, बहुत बहुत बधाई है जिन्होंने एक अच्छी सोच बना के अज असी देख रहे हैं कि डाकबंगला के अंदर एक पाक पार्टी जी सी SSP साहब से उन्होंने टीम ने ऑर्गनाइज की जिसके अंदर बिना मतलब मिलत सारे लोग एक दूजे को गले मिल रहे हैं, एक दूजे को बधाइया दे रहे, मुबारक दे रहे हैं। तो मैं कह रहा एक बड़ा ही अच्छा वातावरण आज देखने को मिल रहा है और बड़े अरसे तो बाद इस किस्म की चीज़ जी है सामने नज़र आई है। तो मैं इतने SSP साहब को बहुत बहुत बधाई देवगा उन्होंने टीम को और एक आस करते हाँ कि इस किस्म का प्यार मुहब्बत, इस किस्म की जो एक सत्कार, एक सैकुलरिज्म का मुजस्मा मैं कह सकता हाँ कि जो आ रहा है एक खुशबू जी है ये सारे हिंदुस्तान के अंदर फैलनी चाहिए है ताकि हर थान पर इस किस्म के मैसेज, इस किस्म की खुशबू जी है वो नज़र आए और आपसी भाईचारा जोड़ा है इसको ताकत मिले और असी एक दूजे के जो फेस्टिवल्स ने उन्होंने मन करके इकट्ठे होकर रह के एक दूए को प्यार मुहब्बत नाल असी रिसीव करिए, एक दूए के प्यार मुहब्बत शामिल होइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बजमी जी सर बताएंगे जो अफ्तारी पार्टी गई करी गई आज पुलिस की जानिब से, इसके बारे में बताएंगे। देखिए आज जो है पुलिस एसोसिएशन की जानिब से यहाँ पर अफ्तार पार्टी का जो है अहमान किया गया है और ये खुशाइन बात है कि पिछले दो सालों से जो है कोविड के चलते हुए इन पार्टीज़ का और अफ्तार पार्टी का या ईद मिलन का यहाँ पर इंतकाल नहीं हुआ। आज सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की जानिब से यहाँ पर जो है इसका इनका किया गया जिसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा आर्मी के आला ऑफिसरान जो है वो भी यहाँ पर कमांडर साहब और उनके साथ CEO साहब मौजूद हैं और हम आज के दिन ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम सभी लोग एक हैं, बिला लिहाज मजहब व मसलक जो है आज के दिन हम इकट्ठे हो गए। ये पैगाम देना चाहते हैं कि जब भी हमारे मुल्क के खिलाफ दुश्मन अनासर लोग खड़े होंगे, दुश्मन ताकतें खड़ी होंगी तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और आने वाले वक्त में भी हम ये साबित करेंगे कि हिंदुस्तान ना कि सिर्फ एक डेवलपिंग जो कंट्री में आता है बल्कि एक वेरी बिग एंड ग्रेट नेशन। तो आज के दिन हम चूँकि एक या दो दिन के बाद ईद उल फितर भी आ रही है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से आप सभी लोगों ने जो है यकजहती का मुजाहरा किया आने वाले वक्त में एक रहकर अपने मुल्क की यकजहती और सालमीत के लिए काम करेंगे। पुलिस है समाज के अंदर ये अमन व कानून बहाल करने के साथ साथ हम देखते हैं कि सिविक एक्शन प्रोग्राम भी चला रही है, लोगों के घर शामिल हो रही है, स्कूल्स में कंप्यूटर्स दे रही है, बच्चों को किताबें पेंसिलें कापियाँ दी जा रही हैं। तो आज की पुलिस जो है वो कल की पुलिस से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है और माह रमज़ान का ये मुकदस महीना है, अब परसों ईद की आमद आमद है तो ऐसे में जिससे पुलिस पुंछ ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे को प्लेटफार्म पर ला करके और एक जेती का सबूत देने के लिए यहाँ पर इफ्तार पार्टी रखी है
जिसमें सिविल सोसाइटी के मुख्तलिफ मजाहिब के अफराद यहाँ आए, फौज के अलावा किस तरह यहाँ पर आए थे। तो एक रवायत है, पुलिस ने उसको बरकरार रखा, इसके लिए MSP साहब को मुबारक है। हमारे एसोसिएशन पुंज की तरफ से आज हम यहाँ पे JKP के जनाब हमारे SSP साहब के निमंत्रण पे, इनविटेशन पे, हम इफ्तार पार्टी में यहाँ शामिल हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना खुशनुमा माहौल है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख सभी मिल के इस इफ्तार पार्टी में आए और सबने एक मिल के दुआ की कि हमारे पुंछ में, जम्मू कश्मीर में, भारत में एक खुशहाली और अमन चैन का जो माहौल है वो बना रहे। धन्यवाद जय।